कुणाल गांजे वाला तो आई लव हिम एक्चुअली. बहुत टाइम के बाद वो हमारी मूवी में एक प्रमोशनल सॉन्ग शूट मतलब गा रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है. बहुत हम किस्मत वाले हैं जो उनके गानों पे हमें डांस करने को मिलेगा. सो पर्सनली आई लव हिम सो मच. बहुत अच्छी आवाज़ है. बहुत टाइम बाद आई थिंक वो कमबैक कर रहे हैं इस गाने से. इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम से उनका सॉन्ग आया नहीं है, तो ये भी एक प्लस पॉइंट है हमारे लिए कि वो बहुत टाइम बाद हमारी फिल्म में गा रहे हैं. तो हम लकी हैं, हैप्पी. हमारी मूवी कंप्लीट हुई है उसके बाद हमारी इच्छा थी कि कुणाल गांजावाला जी इसमें गाना दें, तो इसी वजह से हमने दोबारा एक गाना आज रिकॉर्ड कर रहे हैं कुणाल गांजावाला जी की आवाज़ में. और ये हमारी मूवी का एक प्रमोशनल सॉन्ग होगा जो कि सब लोगों को बहुत ही अच्छा लगेगा, क्योंकि ये हमारी सॉन्ग ऐसा शूट होने वाला बहुत है ना, अच्छा मतलब शूट होने वाला है. आज तक तो ऐसा कभी शूट हुआ नहीं कि एक विलन हीरो और हीरोइन के ऊपर कोई सेंसुअल सा सॉन्ग हो. मतलब जनरली होता है या तो विलन और हीरोइन पे ही होता है या तो हीरो और हीरोइन पे होता है. ये हम लोगों ने कुछ डिफरेंट सा कॉन्सेप्ट बनाया जो तीनों के ऊपर होगा. मूवी का जो मेन विलेन हीरोइन और हीरो इन तीनों के ऊपर फिल्म आ जाएगा. गेम पैसा लड़की और आप दोनों जी गेम पैसा लड़की या हम दोनों बात एक ही है. एक लाइन में हम बताना चाहेंगे तो गेम में हूँ, पैसा जाकिर हुसैन जी हैं और लड़की आपके सामने है. और एक वर्ड में बोल दूँ तो फिर लड़की गेम करती है पैसों के लिए. जीत हाँ. पैसों की होती है हमेशा, पर अच्छाई हमेशा जीतती है पैसों से भी ऊपर. हाँ बड़ी उम्मीद रखी हाँ बिल्कुल. पंजाबन दिल्ली और पंजाब का तो बहुत पुराना रिश्ता है, कनेक्शन है वो. नहीं, आलू के पराठे भी खाएंगे, पराठे खाने जरूर जाएंगे चांदनी चौक में, ऐसी कोई बात नहीं है. और पंजाब में अपनी चीजें खिलाऊंगी, वो दिल्ली में जो फेमस है वो खिलाऊंगी. दिल्ली पंजाबी सेम. दो लाइनें हाँ. और सबसे बड़ी बात यह जो हम जितने भी हमारे गाने हैं उनके लिरिक्स लिखे हैं साजन अग्रवाल जी ने, जो कि बहुत ही बड़े लिरिक्स राइटर हैं. और इसलिए ही इस मूवी में जितने भी गाने हैं सारे बहुत ही अच्छे हैं और शूट अच्छे हुए हैं, क्योंकि हमारे कोरियोग्राफर हमारे साथ थे. थैंक यू वेरी मच. मैं इन्होंने थोड़ा सा सिंग गाने के लिए बोला था. एंड एक हमारे मूवी में एक रेट्रो सॉन्ग है जो बहुत टाइम बाद आ रहा है, जिसको नेहा कक्कड़ जी ने गाया है, जो हेलेन जी के टाइम पे होता था, जो आजकल किसी ने अभी तक देखा नहीं होगा, जो अब आएगा. तो मैं उसको थोड़ा सा गुनगुनाना चाहती हूँ. नहीं, मैंने नहीं गाया है एक्चुअली इसको. बहुत प्यारी हमारी सिंगर हैं जो सोनू कक्कड़ जी हैं, उन्होंने गाया. नेहा कक्कड़ जी और सोनू कक्कड़ जी आई थिंक उन्होंने मिल के दो सॉन्ग गाए हैं. बहुत अच्छे अच्छे सिंगर्स ने गाया है, तो हैप्पी. नहीं, वो श्रेय मैं अपने आप को ही दूंगा. नहीं, एज ह्यूमन बींग्स दे आर नाइस, तो जो मैं बोलता था वो करते थे. गाना इतना अच्छा बढ़िया बनाया है, देव साहब हैं जो म्यूज़िक डायरेक्टर हैं, लिरिक्स बड़े अच्छे हैं. जैसे गाना बजते अपने आप पैर थिरकने लगते हैं, सो दे आर गुड. तो इट वॉज़ ईजी फॉर मी. और जो कॉन्सेप्ट मैंने बनाया उसको साजन जी ने पहले हाँ बोल दिया, सो इट वॉज़ वेरी ईजी फॉर मी टू एग्जीक्यूट. पता नहीं क्या देखो, ऐसा है लोग बोलते कुछ नया करते हैं. हमने वही किया है जो डिमांड किया है. अगर समझो इसमें इजी स्टेप्स देना है तो इजी ही दिए हैं. उसको कॉम्प्लिकेट करके कुछ प्रूव करने जा रहे हैं वो वाला चीज़ नहीं किया है. जो हम ये स्टेप्स देख के लोग नाचेंगे, दे वुड लाइक टू कॉपी इट. सो दैट इज़ हाउ इजी अ मासी थिंग. व्हाट आई फॉलो माय बॉस विच इज़ फारा खान, सो आई हैव डन दैट इजी एंड द बेस्ट. फाइनली ऑडियंस यही कहना चाहेंगे कि GPL गेम पैसा लड़की दिसंबर में रिलीज होने जा रही है. 12 दिसंबर अभी तक डेट फाइनल हुआ है, मतलब नॉट कंफर्म. तो आप लोग प्लीज़ जाइए थिएटर पे, क्योंकि हमें आप लोगों का बहुत सारा प्यार चाहिए थोड़ा सा बाकी स्टारों की तरह इस्टेब्लिश होने के लिए. तो प्लीज़ 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 गो एंड वॉच गेम पैसा लड़की. मूवी देखेंगे तो आपको इसमें कुछ ऐसा लगेगा नहीं, ये मूवी आपको स्टार से भरी हुई ही नजर आएगी. बिल्कुल. थैंक यू सो मच. ओके, थैंक यू. गुड आफ्टरनून एवरीवन. हेलो,
thank you so much for coming and supporting us. And traveling is something, the moment that word travel comes to my head, second thing comes, okay, I'll get a break.